जिंदगी में पहली दफा आपका भाई अज़रबैजान जा रहा है और ईरान से पहली दफा वो भी बाय रोड। सुबह सुबह टैक्सी में बैठा हूँ, 2.5 घंटे का हमारा सफर है तबरेज से लेके नक्शीवान तक। ये जो आप रोड देख रहे हैं सीधा, ये जा रहा है जी जुल्फा और नक्शीवान। वेलकम टू नक्शीवान। सलाम पाकिस्तान, 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 ईरान, अज़रबैजान। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेट आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाईजान मैं ईरान से सफ़र करता हुआ पहुँच चुका हूँ जो इनका तबरेज सिटी है, वहाँ पे पाकिस्तान से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था बाय रोड। और मैं इस टाइम बड़ा परेशान भी हूँ, थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ, क्योंकि जो मैंने मोबाइल पर डाटा सारा बनाया था लाहौर से लेके कोयटा से लेके ईरान बाय रोड एंटर होने तक तेहरान तक, वो मेरा मोबाइल में पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर इशू है, मोबाइल मेरा ऑन नहीं हो रहा। अगर उसको मैं रीसेट करता हूँ तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब अज़रबैजान जाके चेक करवाऊँगा या पाकिस्तान जाके, अल्लाह करे डाटा रिकवर हो जाए, वरना अब जितना रास्ता रह गया वो बना लूँगा वापसी पे। जब दोबारा वापस आऊँगा अज़रबैजान से ईरान बाय रोड, तो फिर मैं अज़रबैजान टू पाकिस्तान बाय रोड का जो है व्लॉग वो बना लूँगा। अभी मैं तबरेज से जा रहा हूँ जी, जो नक्शीवान टू जुल्फा बॉर्डर है ईरान का, वहाँ से जा रहा हूँ। जो आसरा बॉर्डर है उसको कोविड पेंडेमिक की वजह से बंद किया हुआ है, तो हमें जाना पड़ता है जी तबरेज से नक्शीवान ईरान का सिटी है, उसके बाद है अज़रबैजान का जुल्फा सिटी, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मेरी बाय रोड क्रॉसिंग होगी। तो अभी मैं सुबह सुबह टैक्सी में बैठा हुआ और मिस्टर समद, मिस्टर समद सलाम, चितौड़ी चितौड़ी ममनून ममनून। तो मिस्टर समद भाई हैं जी, और यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू है, इनको जो है वो इंग्लिश नहीं आती और कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, इनको अपनी फारसी आती है जो ईरानी ज़ुबान होती है, पर्शियन वो बोलते हैं। तो अच्छे बंदे हैं, और इन्होंने मुझसे लेना है ईरान का 3.5 लाख रुपया, जो बनता है पाकिस्तानी 3,000 रुपया, आई थिंक 2,500-2,500 रुपया बनता है। और ये तकरीबन जो रास्ता है वो यहाँ से तबरेज से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। सो अब आपको जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं तबरेज सिटी के वो दिखाते हैं। तो तबरेज से निकले हुए तकरीबन जी मुझे 50 मिनट हो गए हैं, और रास्ते में 50 मिनट बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से एक रास्ता होता है वो जाता है जुल्फा अज़रबैजान और नक्शीवान साइड पे। नक्शीवान जो है ईरान का आखिरी सिटी है, वहाँ से आगे अज़रबैजान शुरू हो जाता है। दूसरी साइड से शुरू हो जाता है जी बुजुर्गवान, और वो रास्ता जाता है तुर्की को। अगर आपने तुर्की जाना है बाय रोड तो आपको बुजुर्गवान वाली टैक्सी करवानी पड़ेगी। तो ये वो मेन पॉइंट है, ये जो आप रोड देख रहे हैं सीधा, ये जा रहा है जी जुल्फा और नक्शीवान। हो गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो खुबानियाँ तोड़ के लाए हैं रास्ते में से, एक जंगल में से, गिफ्ट फॉर मी, ये देखें जी। तो वो जो ऑपोजिट रास्ता है वो जाता है जी रोड, वो तुर्की को जाता है, वो जो वो जा रहे हैं मेरे ड्राइवर वहाँ से खुबानियाँ लेने जा रहे हैं, वो रास्ता जाता है जी तुर्की को। अगर तुर्की जाना है तो वो नजम भैया आप उधर से जा रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ जुल्फा, और मेरे जो ड्राइवर हैं वो उतरे थे, मैं समझूँ कि तो मैं जिन तो समद भाई के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं समझा कि वॉशरूम करने गए हैं, वॉशरूम करने नहीं गए, जंगल था आगे वहाँ पर गए हैं किसी से खुबानियाँ लेके आए मेरे लिए। तो बड़ी खूबसूरत खुबानियाँ जी सुबह सुबह खाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईरान का पहली दफ़ा कोई फल खा रहा हूँ, मेरी वालदा को बहुत पसंद है खुरबानियाँ, मैं आ जाइए देखें ईरानी खुबानियाँ फ्री में खा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुबह सुबह आपका भाई फ्रेश फ्रूट से नाश्ता कर रहा है। मेरे जो टैक्सी वाले हैं मिस्टर समर, उन्होंने मुझे एक सेब भी ला के दे दिया, पहले खुबानियाँ ला के दी हैं अब एप्पल, शुक्रिया शुक्रिया। तो मिस्टर समर को ज़रा लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो वो शर्मा रहे हैं, बाकी पहले उन्होंने मुझे खुबानियाँ ला के दी जो कि आपका भाई सारे रास्ते खाता हुआ जाएगा, ये देखें, और अब एप्पल मज़ेदार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Oh.
जो नक्चवान है वो आने में तकरीबन 20 से 21 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया है, और कह रहे हैं जी कि मैं तुझे 20 से 22 मिनट में नक्चवान ले जाऊंगा, फिर उसके आगे जो बॉर्डर है वहाँ तक कुछ सफ़र है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के करम से उम्मीद है कि 2 घंटे बाद अज़रबैजान में इंटर हो जाऊँगा, और सारा जो FIA वगैरह का जो होते हैं मामला वगैरह होते हैं बॉर्डर पर वो क्लियर करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, वीज़ा पासपोर्ट PCR टेस्ट वगैरह कोरोना कार्ड वगैरह, तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ जाके, और होप फॉर द बेस्ट। फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग अलोन, और वो भी बाय रोड जा रहा हूँ, और डर खौफ भी था थोड़ा सा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला परेशानी अभी तक नहीं हुआ। हाँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी हूँ, क्योंकि मैंने लाहौर से लेके जो ईरान तहरान तक मैं आया हूँ ट्रेन पे, और बस पे आया हूँ, टैक्सीज पे आया हूँ, 4 दिन का मेरा 5 दिन का ट्रैवल था, वो मैंने सारा मोबाइल पर कैप्चर किया था, क्योंकि ईरान की कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, तो वो मैंने मोबाइल पर यूज़ किया, तो मुझे उसकी थोड़ी टेंशन हो रही है, अगर तो वो रीसेट करता हूँ डाटा चला जाएगा, और जाके अहमद मुबीन साहब से बैकअप करवाना पड़ेगा, अल्लाह करे बैकअप हो जाए, नहीं तो वापसी पे फिर मोबाइल ठीक वहाँ से हो गया, नहीं तो कैमरे पे जुगाड़ लगा के थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लूँगा, वापसी का रास्ता भी आप लोगों को दिखा दूँगा, ताकि आप लोगों ने कभी आना हो तो आपको आइडिया हो जाए कि हम पाकिस्तान से ईरान अज़रबैजान तुर्की कैसे जा सकते हैं। सो उम्मीद है आप मेरा जो सफ़रनामा है इसको इंजॉय कर रहे होंगे, और 15 किलोमीटर रह गया जी नक्चवान। रोड्स बड़े खूबसूरत हैं, अलबत्त धूप काफ़ी तेज़ है, तो बाहर से कुछ आपको शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो। डेवलपमेंट बहुत है, पहाड़ों के ऊपर घर हैं, हमारे तो बेचारे पहाड़ों पे जो इलाके पे लोग रह रहे होते हैं वो तो वो सरों पे बाल्टियाँ उठा के हमारी बहनें माया जा रही होती हैं, यहाँ पे भाई पाइप लगे हैं पानी के, बिजली है, टेलीफोन है गांव देहातों में, और रोड ऐसी हैं कि मतलब कि मैं भी यहाँ पे गाड़ी इजी से चला सकता हूँ, इस तरह की खूबसूरत और साफ रोड है बनाए उन्होंने इस तरीके से हुए हैं, पहाड़ी इलाके पे चढ़ाई भी है उतराई भी है, मगर रोड ऐसे हैं ऐसे लग रहे हैं हम GT रोड या मोटरवे पे घूम रहे हैं। सलाम पाकिस्तान 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 ईरान अज़रबैजान, दुकान सुपरमार्केट अज़रबैजान। ओहो हो हो हो, तो भाईजान हम जो जुल्फा का बॉर्डर है वहाँ पे वो सलाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।